हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3, जो आपका डिमांड है और बहुत सारे स्टूडेंट ने बार बार कमेंट करके कहा है, टेलीग्राम चैनल पर भी कहा कि सर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाइए। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 3। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, फ्यूचर के हिसाब से भी। मान लीजिए आप फार्मासिस्ट बन के अपनी एक फार्मेसी खोलने जा रहे हैं, तो इसमें जो है ना रूल और रेगुलेशंस क्या हैं वो सब इसी में लिखे हुए हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। ऐसे ही आप किसी कंपनी के अंदर काम करने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या है थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ेंगे, और दूसरी बात कि इसमें जो वर्ड्स आएंगे थोड़ा मुश्किल रहेंगे, इसलिए कि ये जो इसमें जो कुछ हम लोग पढ़ेंगे ना, वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिखा हुआ है, जैसा हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसी को हमने एज इट इज़ मैंने लेने की कोशिश की है, ताकि जब क्वेश्चन वगैरह आए एग्ज़ाम के अंदर तो वो हमारे आसानी से समझ में आ जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे जो मतलब टर्म्स हैं, जो बहुत सारे क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो भी हमको पता चल जाए। इसलिए ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसके जो कुछ टर्म्स हैं, जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनका क्या मतलब है, उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाए। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक ये हम समझेंगे, इसमें ड्रग समझेंगे किसको कहते हैं, कॉस्मेटिक किसको कहते हैं, फिर एक्ट, इसको ए बड़ा कर लीजिए, एक्ट क्या होता है और रूल क्या होते हैं, समझ में आ रही बात, और रूल्स क्या होते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है ड्रग, तो ड्रग किस किस चीज़ को हम लोग ड्रग कह सकते हैं, तो ऑल मेडिसिंस एंड डिवाइसेस इंटेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल फॉर ट्रीटमेंट और फॉर प्रिवेंटिंग डिसीज एंड डायग्नोसिस। एक बात ध्यान रखिए, ये डेफिनेशन वगैरह थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए कि ये डेफिनेशन जो भी हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज इट इज़ लिखे हुए हैं, तो मैं उसको वैसे ही लेके आया हूँ, ठीक। तो वो तमाम दवाएँ और वो तमाम डिवाइसेस, यानी कोई भी छोटी या बड़ी कोई मशीन है, तो वो तमाम दवाएं और वो तमाम डिवाइसेस इंटेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, जिसको बनाया गया है इस इरादे से, इंटेंडेड का मतलब है जिसको इसलिए बनाया गया है या इस नियत से, इस इरादे से बनाया गया है, क्या है, फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, चाहे इंसानों के लिए चाहे जानवरों के यूज़ के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे बॉडी पे ऊपर लगाना हो चाहे उसको खाना हो, ठीक, किस काम के लिए, फॉर ट्रीटमेंट, और चाहे वो प्रिवेंटिंग डिसीज या बीमारी को रोकने के लिए बनाया गया हो, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया हो, बीमारी के चेकअप के लिए बनाया गया हो, तो वो सब चीज़ें क्या ड्रग में आती हैं। ऐसे ही ऑल दो सब्सटेंसेज इंटेंटेड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़, ऐसे ही वो तमाम चीज़ें जिसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए बनाया गया, बीमारियों को चेक करने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही ऑल दो सब्सटेंसेज इंटेंटेड यूज फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्मिन एंड इंसेक्ट्स, ऐसे ही वो तमाम चीज़ें जिसको वर्मिन और इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। और क्या, ऑल दो सब्सटेंसेज इंटेंटेड फॉर यूज एज ए कंपोनेंट ऑफ ड्रग लाइक एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल, लाइक एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल, ऐसे ही वो तमाम चीज़ें जो किसी ड्रग का कंपोनेंट बने, चाहे वो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हो या ना हो, जैसे कि जो एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल होता है, यानी जो कैप्सूल के ऊपर जो कवर होता है, जो दो ढक्कन से होते हैं, वो बीमारी को ठीक करने के लिए तो नहीं होते, लेकिन ड्रग का एक कंपोनेंट बन रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसको भी हम लोग ड्रग की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक। ऐसे ही आप मान लीजिए जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, वो सब किस में आएंगे, ड्रग की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। अब कॉस्मेटिक क्या होता है, तो कॉस्मेटिक का मतलब होता है एनी आर्टिकल या थिंग याद रखिए, यानी कोई भी चीज़ विच इज़ यूज फॉर क्लीनिंग ब्यूटिफाइंग और प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, वो तमाम चीज़ें जो सफाई के लिए, जैसे कि मान लीजिए चेहरे को साफ करने के लिए, या ब्यूटिफाइंग आदमी को खूबसूरत बनाने के लिए, या प्रोमोटिंग अट्रैक्टिवनेस, या तो फिर क्या है किसी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोग उसको देखें तो वो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्मेटिक बोलेंगे। अब एक टॉपिक, एक टर्म यह भी आपको याद रखना चाहिए, मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है, एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग अल्टरिंग ऑर्नामेंटिंग पैकेजिंग लेबलिंग,
विद पर्पस ऑफ सेल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज को बनाया जा रहा हो या किसी चीज को अल्टर किया जा रहा हो, किसी का इफेक्ट है उसको कम किया जा रहा हो तो एक तरीके से अल्टर हो गया, या तो फिर ऑर्नामेंटिंग किया जा रहा है। ऑर्नामेंटिंग मतलब जैसे कि मान लीजिए दवाएं होती हैं बहुत सारी, काली दिखने में अच्छी नहीं लग रही हैं, तो उसको क्या किया थोड़ा सा उसमें कलर डाल दिया तो वो क्या हो गया, ऑर्नामेंटिंग हो गया एक तरीके से, उसको कलरिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। ऑर्नामेंटिंग का असल मतलब होता है डेकोर करना, सजाना किसी चीज़ को, ऐसे पैकेजिंग या लेबलिंग। तो ये जितने भी काम है अगर ये सेल के पर्पस से, बेचने के पर्पस से किया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चर। अब इसमें आप ड्रग का मैन्युफैक्चर हो, किसी खाने पीने की चीज़ का मैन्युफैक्चर हो, किसी भी चीज़ का हो तो मैन्युफैक्चर हो जाएगा। एक आपको याद रखना है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू ब्रिंग एनी गुड्स और सर्विसेज इन टू ए कंट्री फ्रॉम आउट ऑफ कंट्री फॉर सेल। इसका मतलब यह कि कोई भी चीज या कोई सर्विस कंट्री के अंदर लेके आना सेल के पर्पस से, किस पर्पस से, सेल करने के लिए, बेचने के लिए कोई चीज बाहर से, कंट्री के बाहर से कंट्री के अंदर लेके आना। मान लीजिए इंडिया है तो बांग्लादेश से, चीन से, कहीं से भी कोई चीज अपने कंट्री के अंदर अगर लेके आ रहे हैं तो वो क्या है, इंपोर्ट है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो बेचने के पर्पस से हो, पर्सनली यूज के लिए ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। अब एक दो टर्म और आपको समझना चाहिए, वो क्या है कि सबसे वो ड्रग समझ गए आप, कॉस्मेटिक समझ गए। अब एक्ट क्या होता है, एक्ट का क्या मतलब होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और रूल क्या होता है ये समझना आपके लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। अब एक्ट क्या है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में समझाऊं कि एक्ट होता क्या है। तो अपने यहाँ पे दो पार्लियामेंट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो पार्लियामेंट हैं। तो कोई भी अगर कानून बनाना है, कोई एक्ट बनना है, तो उससे पहले उसके लिए एक बिल लाया जाता है। बिल का मतलब कुछ बातें उसके अंदर लिखी रहती हैं, कुछ प्रावधान होते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं, समझ रहे हैं, कुछ रूल टाइप की चीज़ें होती है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये कोई भी काम ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए कोई क्या है, बिल आता है पहले। तो जो हमारे पार्लियामेंट है उसके अंदर बहस होती है, अगर वहाँ से वो पास हो जाता है, पारित हो जाता है, फिर उसको लेके कहाँ जाता है, वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा से भी अगर उसको मतलब ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं और पास हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो अपने जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका उस पर सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर होने के बाद वो क्या होता है, एक्ट बन जाता है। तो समझ रहे, सबसे पहले क्या होगा, बिल होगा। क्या होगा, बिल, जो कि कोई भी लेके आएगा अपने पार्लियामेंट के अंदर, वहां से अगर वो पास हो जाता है और फिर हमारे जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका अगर सिग्नेचर हो जाता है तो अब वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक, अब इस एक्ट को लागू करने के लिए जो सरकार कुछ अपने रूल और नियम बनाती है, समझ में आ रही बात, इस एक्ट को लोगों के अंदर लागू करने के लिए, लोगों से मनवाने के लिए, लोगों के अंदर राइज करने के लिए, नाफिज करने के लिए, जब कोई सरकार कुछ रूल बनाती है तो उसको हम लोग कुछ रूल और रेगुलेशन बनाती है, कुछ नियम बनाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूल। ठीक है, एक है तो रूल है, बहुत सारे हैं, तो रूल्स बनाए जाते हैं। तो कौन बनाता है इसको, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वो होते हैं रूल्स। समझ में आ गया। एक चीज और याद रखिए आप कि क्या होता है आर्टिकल, क्या होता है आर्टिकल, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो अब ये आप समझ गए, बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। अब आर्टिकल क्या है, आपने कई बार सुना होगा आर्टिकल 25, आर्टिकल 370। तो ये क्या है आर्टिकल, तो मान लीजिए कोई एक्ट है, जैसे कि मान लीजिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल है। ठीक है, तो एक एक्ट हो गया। ठीक, अब एक्ट के बारे में कुछ बातें लिखी होंगी बहुत सारी, तो ये जो एक्ट लिखा जाता है, जो कानून की बातें लिखी जाती हैं, वो ऐसा नहीं कि कहानी की तरह एक लाइन से पूरा लिखते चले गए, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात, कहानी की तरह से नहीं लिखा जाता है, नॉवेल्स की तरह से नहीं लिखा जाता कि एक तरफ से लिखना शुरू किया और पूरा पेज भर दिया, बल्कि इनको क्या करते हैं, पैराग्राफ में बांट बांट के लिखा जाता है। और जो अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये दुनिया में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, यानी बहुत लेंदी है ये। अगर उसको एक लाइन से पूरा ऐसे लिख दें तो आदमी को कोई बात ढूंढनी हो तो ढूंढ ही नहीं पाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, जो पूरी बुक के अंदर जितने पैराग्राफ हैं, चाहे वो एक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो नेशनलिटी से रिलेटेड हो, चाहे किसानों से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो एक्ट हो, तो उनके जो पैराग्राफ है ना, उनकी नंबरिंग की गई है कि मान लीजिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसमें 5 पैराग्राफ हैं, तो 5 नंबर इसमें डाल दिए, हर पैराग्राफ के ऊपर एक नंबर, दूसरे पैराग्राफ पे 2 नंबर, तीसरे पैराग्राफ के ऊपर 3 नंबर, चौथे पैराग्राफ के ऊपर 4 नंबर, पाँचवें के ऊपर 5 नंबर डाल दिया। ठीक है, 5 पैराग्राफ हो गए।
अब ये जो ना पैराग्राफ के ऊपर जो नंबरिंग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैराग्राफ के ऊपर जो नंबरिंग है उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से मान लीजिए दूसरा एक्ट शुरू हो गया, कोई ये वाला एक्ट खत्म हो गया, अब क्या नेशनलिटी वाला एक्ट शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक। अब इसके अंदर यहाँ से तीन पैराग्राफ हैं, तो ये नहीं कि यहाँ से, तो अब ये नहीं कि यहाँ से जब हम दूसरे पर दूसरा कोई एक्ट शुरू हो रहा है तो उसमें जो पैराग्राफ है यहाँ एक से शुरू करें, नहीं, ये पाँच हो चुके हैं ना, तो उसके बाद जो आएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छः, सातवां, इसके बाद सात हो जाएगा, इसके बाद आठ हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। फिर यहाँ पे कोई तीसरा एक्ट शुरू हो गया तो उसमें पैराग्राफ की नंबरिंग एक से नहीं शुरू करेंगे, बल्कि फिर वहाँ से यहाँ सात हो गया तो आठ, नौ, दस, इस तरीके से क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना जो एक्ट है ना वो एक सीरियल वाइज से चला गया, चाहे उसमें एक्ट कोई सा भी हो लेकिन जो उसके नंबरिंग है ना वो एक सीरियल से किया गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। समझ में आ गया आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का मतलब जो पैराग्राफ की नंबरिंग है पूरे बुक के अंदर एक सीरियल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं इसको, एक्ट को। अब आते हैं हम लोग असल मुद्दे पे कि ये क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो जो ये हमारा ड्रग और कॉस्मेटिक आप समझ चुके हैं, ठीक, तो इसके लिए कुछ एक्ट बनाए गए। अब इसका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड भी समझ लीजिए कि एक्ट क्यों बना। तो जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे राज था, हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ है, उससे पहले अंग्रेज़ों का राज था तो वो लोग थोड़े घटिया टाइप के लोग थे। वो क्या करते थे, अच्छी दवाएँ बाहर भेज देते थे, ख़राब दवाएँ यहाँ पर लोगों के यूज़ करने के लिए देते थे, अच्छी दवाएँ अपने लिए यूज़ करते थे, ख़राब दवाएँ हम लोगों को देते थे जो इंडियन लोग थे उनको। तो इसलिए एक्ट बनाया गया कि नहीं, अच्छी दवाएं ही सबको मिलें, खराब दवाएं यहाँ पे न लाई जाएं और अच्छी दवाएं यहाँ से बाहर न भेजी जाए। तो उसके लिए फिर क्या है, एक्ट बनाए गए बहुत सारे अलग अलग टाइप के। तो उसी में से एक एक्ट क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। यानी ये एक्ट कब बना, 1940 के अंदर ये कानून बन गया। लेकिन इस कानून को नाफिज करने के लिए, इस कानून को लोगों के अंदर लागू करने के लिए, लोगों से मनवाने के लिए सरकार ने कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए। तो वो कब बनाए, 1945 के अंदर। समझ में आ गया ना, 1940 और 45 क्या है। तो एक्ट कब बना, 1940 के अंदर, और उसके लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाए सरकार ने वो कब बनाए, 1945 के अंदर, 1945 के अंदर रूल और रेगुलेशन बनाए। अब एक चीज और कि ये जब रूल सब बन गया तो अब ये कब नाफिज, कब ये लोगों के अंदर लागू किया गया, तो 1948 के अंदर ये एक्ट पूरी तरीके से क्या कर दिया, लागू कर दिया गया और हर एक को मानना क्या हो गया, जरूरी हो गया। कौन सा, जो 1940 में एक्ट बना, 1945 के अंदर रूल बना और 1948 के अंदर इसको लागू कर दिया गया पूरी तरीके से और हर एक के लिए मानना क्या हो गया, जरूरी हो गया। और न्यू अमेंडमेंट का मतलब ये है कि जो ये रूल है इसमें कुछ ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट करने की, कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत के हिसाब से, तो कुछ अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, कुछ चेंजिंग होती रहती है, वो भी हम लोग क्या है पढ़ेंगे आगे। अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन, तो इसके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स इसके अंदर क्या कहा गया है, समझ में आ रही बात, इस एक्ट के अंदर क्या बात फोकस किस बात पे की गई है, तो वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अगर कोई पूछे कि ये, अगर कोई ये पूछे कि ये एक्ट है क्या, तो आप क्या बताएंगे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 तो ये है क्या, तो आप क्या बताएंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के पार्लियामेंट का एक एक्ट है, यानी इंडिया के पार्लियामेंट से पारित किया गया, पास किया हुआ एक एक्ट है, विच रेगुलेट दी इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है यानी संभालता है, चलाता है किस चीज़ को, मैन इम्पोर्ट को, यानी इम्पोर्ट किया जाए कौन सी दवा नहीं की जाए उसको कौन देखता है, कौन रेगुलेट करता है, उसके लिए कानून कहाँ किस किताब के अंदर, किस एक्ट के अंदर मौजूद हैं, तो वो किस में है, इस वाले एक्ट के अंदर, कि कौन सी दवा बाहर से मंगाई जाएगी, नहीं मंगाई जाएगी, क्या रूल रेगुलेशन, तो उसको कौन हैंडल करता है, ये वाला एक्ट करता है। और क्या, मैन्युफैक्चरिंग की, कौन सी दवा बनाई जाएगी, नहीं बनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें, और कौन सी दवा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, नहीं की जाएगी, क्या पेनाल्टीज होगी अगर कोई गलत काम कर रहा है, लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। और क्या, कौन सी दवा, एंड सेल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक, और दवाओं को बेचना और कॉस्मेटिक को बेचना, इसके लिए जो भी रूल और रेगुलेशन है वो सब किस एक्ट के अंदर है, इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक। अब इसमें का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्ट 1940, ठीक। तो क्या है, फॉर प्रिवेंटिंग सब स्टैंडर्ड यानी लो क्वालिटी इन ड्रग, यानी जो लो क्वालिटी के ड्रग्स हैं उनको रोकना, इसके एक्ट का क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्या मकसद है, कि जो लो क्वालिटी की जो दवाएं हैं वो लोगों में यूज़, लोग उसको यूज़ ना करें, लोगों को ना खिलाए जाएं, तो उसके लिए इसको क्या किया, बनाया गया।
एंड फॉर प्रोमोटिंग दी हाई मेडिकल स्टैंडर्ड, और जो दवाएं हैं या जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको अच्छा किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक। और किस लिए? फॉर कंट्रोलिंग दी इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाई लाइसेंसिंग। और ये किया कि जो भी इम्पोर्ट है या मैन्युफैक्चरिंग है, आप समझ चुके हैं ठीक है ना, इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या सेल, ये जो भी काम है इसको क्या किया, कंट्रोल किया जाए। यानी ये नहीं कि हर कोई जिसका मन कर रहा वही करने लग जा रहा है, बल्कि क्या कुछ ही लोग हों जिनके पास लाइसेंस हो वही इसको कर सकते हों, ताकि अगर गड़बड़ी करें तो उनको पकड़ा जा सके आसानी से, ठीक है। और ये जो लोग होंगे ये गड़बड़ी नहीं करेंगे, ये ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे लोग हों, यानी कि अनपढ़ अनपढ़ जो भी है, जिसको मन कर रहा बेच रहा है, जिसको मन कर रहा लोगों को दवाई खिला दे रहा है, तो ऐसा ना हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। और क्या, टू इंश्योर या इंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन एंड, इसको इन को हटा दीजिए, एंड है ये, क्या है, एंड, एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इज डन बाई क्वालिफाइड पर्सन। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि जो भी काम हो रहा है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया यानी दवा का बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, ये सब जो भी काम कर रहे हैं उसको कौन लोग कर रहे हैं, क्वालिफाइड लोग कर रहे हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस काबिल हैं वही इस काम को कर रहे हैं। और किस लिए इस एक्ट को बनाया गया, तो फॉर एस्टेब्लिशिंग ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इस ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को बनाने के लिए भी इसका एक मकसद क्या था, कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए। एंड ये इन नहीं है, एंड है, क्या है, एंड, एंड ड्रग कंसल्टिंग कमेटी। और ड्रग कंसल्टिंग कमेटी को बनाना भी इसका क्या था, एक मकसद था इस एक्ट का, ठीक है, किसके लिए, फॉर एलोपैथिक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अब ये क्या है, ये जो दो बोर्ड हैं इसके बारे में आगे आप डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ये भी आएगा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक तो डेफिनेशन पूछा था, अब डेफिनेशन के बाद एक टॉपिक और है, एक वो जो पूछा है वो क्या है, लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल। क्या पूछा है, लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द एक्ट एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू द रूल्स। एक्ट और रूल आप समझ चुके हैं, ठीक, एक्ट और रूल आप समझ चुके हैं। अब एक नया क्या कहते हैं ये, यहाँ पे टर्म आया है, एक टेक्निकल वर्ड आया, शेड्यूल। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है शेड्यूल, कि मान लीजिए जो एक्ट है ना हमारा, एक्ट तो ये एक टाइटल हो गया, कि जैसे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये हो गया। अब उसके बारे में कुछ बातें लिखी रहती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। ये आर्टिकल में ना कुछ बातें तो डिफाइन होंगी, कुछ बातें इसमें बताई होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें छूट जाती हैं इस आर्टिकल के अंदर, इस एक्ट के अंदर। तो उसको क्या किया जाता है, ये इसी के साथ में नहीं बल्कि दूसरी तरफ, जहाँ पे ये वाला समझ लीजिए ये चैप्टर जो है, ये एक्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या बुक के एकदम लास्ट में क्या करते हैं, एक शेड्यूल बना देते हैं, एक पार्ट बना देते हैं, जहाँ पे इसके रिलेटेड क्या है, बहुत सारी बातें एकदम डिटेल से लिखी रहती हैं। यानी वहाँ पे एक समझ लीजिए कि एडिशनल क्या है, इन्फॉर्मेशन होता है इस एक्ट के बारे में, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल समझिए, आपका एक एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंदर एक बात लिखी है कि जो एक्स शेड्यूल की जो दवाएं हैं, जो क्या हैं, एक्स शेड्यूल की दवाएं हैं, उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं बेच सकते। समझ में आ रही बात, कि जो एक्स शेड्यूल की जो दवाएं हैं उसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते हैं। लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि एक्स शेड्यूल में कौन सी दवाएं हैं। तो जो एक्स शेड्यूल में जो दवाएं हैं वो कहाँ लिखी हुई हैं, इस शेड्यूल के अंदर डिटेल से लिखी हुई हैं कि ये दवाएं किस में आती हैं, एक्स शेड्यूल के अंदर आती हैं। समझ में आ रही बात। ऐसे ही एक मान लीजिए एक एक्ट है अपना, कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, ये बहुत सारे स्टेट का क्या है, गिरोह है, यानी बहुत सारे स्टेट से मिलके क्या बनता है, अपना इंडिया बनता है। बस इतना एक एक्ट हो गया। अब इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जो है ना, कि कितने स्टेट होंगे, कौन कौन से स्टेट हैं, उनके क्या नाम हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं, शेड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं। तो ये होता है शेड्यूल। तो अब ये जो अपना एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो इसके बारे में भी जो एक्ट है वहाँ पे सारी बातें डिटेल से नहीं लिखी हुई हैं। तो बहुत सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे है, वो शेड्यूल के अंदर है। तो अब जो हमारा एक्ट है उसके लिए अलग शेड्यूल है, और जो रूल्स हैं हमारे उसके लिए अलग शेड्यूल है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वही है कि लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू एक्ट, यानी एक्ट के लिए जो शेड्यूल बना है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या मतलब है उसका, एक्ट के लिए वो शेड्यूल क्या है, उसमें क्या बताया गया है।
तो जो एक्ट के लिए जो शेड्यूल है वो दो तरीके के शेड्यूल है, कहता है फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा क्या है सेकंड शेड्यूल। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर क्या है, तो इन दिस शेड्यूल द लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी तिब आर मेंशनड। अब जैसे कि मान लीजिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है तो इसके अंदर दवाओं के बारे में बात होगी, दवा बनाने के बारे में बात होगी। तो ये कह रहे हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स बुक हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के क्या हैं, अलग अलग टाइप के मेडिसिन सिस्टम है, इलाज करने के लोगों के बीमारियों को ठीक करने के सिस्टम है। तो कोई कहेगा कि मैं तो आयुर्वेदिक सिस्टम को फॉलो करता हूँ इसलिए मेरे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो कहा कि नहीं ये सारे सिस्टम इनके अंदर आएंगे और इनके लिए हम लोगों ने कुछ खास बुक क्या है मेंशन कर दिए हैं कि इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। समझ में आ रही बात, तो स्टैंडर्ड किसको माना जाएगा, तो इन्होंने इस बुक इस शेड्यूल के अंदर उन स्टैंडर्ड बुक्स के नाम लिख दिए गए हैं अलग अलग जो दवा करने के सिस्टम है उनके। जैसे आयुर्वेदा का एक सिस्टम है, आयुर्वेदा क्या है एक मेडिसिन सिस्टम है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपने भी पढ़ा होगा, जैसे चरक संहिता तो एक स्टैंडर्ड बुक बना के इसमें डाल दिया। ऐसे ही मान लीजिए यूनानी का सिस्टम है, तो मान लीजिए एक हकीम बहुत बड़ा गुजरा है सुकरात या बुकरात कुछ नाम है उसका, तो सुकरात की जो लिखी हुई किताब है उसको डाल दिया। ऐसे ही तिब, हाँ अब तिब क्या होता है, सिद्धा भी एक मतलब बहुत पुरानी सिस्टम है, तिब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, स्पेशली वो लोग नहीं जानते हैं तिब को कि जो मतलब अरबी नहीं पढ़े हुए हैं। तो ये जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो उनके ज़रिए से जो मतलब दवा करने का सिस्टम जो चला है उसको अरब से वो चला है और बहुत सारे मुस्लिम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसको बोलते हैं तिब्बे नबवी, यानी जो प्रोफेट हैं उनके ज़रिए से जो मेडिसिन सिस्टम चला है उसको क्या बोलते हैं तिब बोलते हैं। तो इसकी जो फेमस बुक है तो उसको भी क्या है इसके अंदर मेंशन किया गया है, तो वो किसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। क्वेश्चन ऐसे बने, ऐसे पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स को किस शेड्यूल के अंदर, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एक नंबर का कि जो स्टैंडर्ड बुक्स लिखे गई हैं अलग अलग मेडिसिन सिस्टम के वो किस शेड्यूल के अंदर हैं, तो किस में है वो शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में, किस में है फर्स्ट शेड्यूल में, किसके एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हैं। अब जो सेकंड शेड्यूल है इसके अंदर क्या है, तो इन दिस शेड्यूल दोज स्टैंडर्ड्स आर मेंशन विच आर रिक्वायर्ड एंड रिक्वेस्टेड फॉर ड्रग्स आर इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल और सोल्ड स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड या ऑफर्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब जो सेकेंड शेड्यूल है एक्ट का उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखा गया है, तो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि आप जो काम कर रहे हैं जो कोई दवा बना रहे हैं तो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई दवा बना रहे हैं तो ये नहीं कि किसी भी स्टैंडर्ड का किसी क्वालिटी का बना दिया, नहीं उसमें एक क्वालिटी फिक्स की गई है कि आप जो भी दवा बनाएंगे चाहे आयुर्वेदिक की हो चाहे क्या कहते हैं तिब वाली हो चाहे यूनानी हो चाहे सिद्धा हो, तो उसका एक स्टैंडर्ड बताया गया कि इस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा, तो वो क्या है, तो जो क्वालिटी क्या है रिक्वेस्टेड है या जो रिक्वायर्ड है वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड किस में लिखा गया है शेड्यूल सेकंड शेड्यूल के अंदर। समझ में आ रही, तो अगर पूछे क्वेश्चन ये कि क्या कहते हैं किसी भी क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है या दवाओं का स्टैंडर्ड है वो किस शेड्यूल के अंदर लिखा गया है, तो एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर वो लिखा हुआ है। ठीक है, किस चीज़ के लिए इसमें स्टैंडर्ड्स हैं, तो उन दवाओं के लिए जिसको इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो उन दवाओं के लिए जिसको इंपोर्ट किया जा रहा है या जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सेल करने के लिए या फिर उसको या कोई दवा बेची जा रही है तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड है कौन सी दवा बेची जाएगी। ऐसे अगर स्टॉक करना है उसको तो ये भी इसके अंदर ये भी स्टैंडर्ड है कि कौन सी दवा क्या है स्टोर करके आप रखेंगे। ठीक, ऐसे अगर बेचने के लिए आप कोई ऑफर दे रहे हैं, कोई एग्जीबिशन लगा रहे हैं, नुमाइश लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या है सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स टू रूल्स। अब जो रूल्स हैं तो रूल्स के भी बहुत सारी क्या है एडिशनल बातें जो रूल्स के अंदर नहीं आ पाई थी। समझ में आ रही, जो रूल्स, अब रूल्स आप समझ गए हैं कि रूल्स क्या होता है। रूल्स आप जानते हैं कि एक्ट को लागू करने के लिए सरकार कुछ अपने नियम बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग रूल बोलते हैं। अब रूल के भी क्या है, मान लीजिए रूल बन गए तो बहुत सारी बातें उसमें भी नहीं आ पाई या बहुत सारी बातें क्लियर नहीं थी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके कहाँ लिखा गया शेड्यूल के अंदर, उसी को बोलते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स टू रूल। ठीक, अब जो रूल से रिलेटेड शेड्यूल है ना ये काफ़ी लंबा फैला हुआ है, बहुत सारे शेड्यूल हैं अलग अलग इसको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएं इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। समझ में आ रही बात,
तो अब क्या इनको बहुत सारे अलग अलग पार्ट में बांटा गया, ए बी सी डी इस तरीके से करके ये क्या बनाया गया शेड्यूल, और उसके अंदर पूरी डिटेल है दवाओं के बारे में या कोई भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आप लोग हम लोग पढ़ेंगे ना अभी, वो सिर्फ उस शेड्यूल के अंदर क्या बताया गया है पूरी डिटेल नहीं हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि किस शेड्यूल के अंदर किस चीज़ के बारे में बताया गया है, यानी सिर्फ एक सूची है। हाँ, शेड्यूल का मतलब आप सूची भी समझ सकते हैं, क्या बोलते हैं अनुसूची या कुछ सूची ऐसे ही बोलते हैं उर्दू में, बोलते हैं फेहरिस्त उसको, क्या बोलते हैं फेहरिस्त। तो ये जो है ना अभी हम लोग शेड्यूल पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि किस शेड्यूल के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। समझ में आ रही बात? सिर्फ यहाँ पे समझिए एक टाइटल दिया गया है, एक टॉपिक दिया गया है कि किस शेड्यूल के अंदर क्या लिखा गया। जैसे कि मान लीजिए शेड्यूल ए है, तो इसके अंदर ये लिखा गया कि एप्लीकेशन भरना अगर आपको लाइसेंस के लिए तो क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो किस शेड्यूल के अंदर आएगा, शेड्यूल ए के अंदर। तो सिर्फ यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। अब कैसे लिखा जाएगा, क्या डिटेल होंगे, ये सब आप जब इसको स्टडी टू शेड्यूल करेंगे तो वहाँ पे आप उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो ए शेड्यूल क्या है, ए शेड्यूल के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई, तो परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, यानी अगर एप्लीकेशन के आप एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस के लिए कोई एप्लीकेशन भर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, फॉर्म भरना आपको, तो वो किसके अंदर वो लिखा गया है, वो किसके अंदर है, शेड्यूल ए के अंदर। आप वहाँ जाके देखेंगे पूरा डिटेल शेड्यूल के अंदर कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक, लाइसेंस इशू करना है या फिर लाइसेंस कोई है आपका बना हुआ उसको रिन्यूअल करना है, तो उसके लिए भी जो रूल रेगुलेशन क्या है डिटेल इसके अंदर है, किसके अंदर, शेड्यूल ए के अंदर। ठीक है, और क्या है, कोई आपको मेमोरेंडा सेंड करना है, भेजना है, तो भी उसके अंदर किसके अंदर आएगा, तो इस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल ए के अंदर आएगा ये सब चीज़ें। मेमोरेंडा क्या होता है, रिटर्न मैसेज जो भी आप किसी को भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडा। ठीक है, कोई बात अपनी कहनी है तो लिख के अगर आप भेजते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडा। अब कैसे आप याद करेंगे, तो ए से ना, ए से होता है क्या, एप्लीकेशन, तो इसको याद रखिएगा, एप्लीकेशन मैं सब मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ए, ए से आप कोरिलेट करिए किसको, एप्लीकेशन को। तो शेड्यूल ए के अंदर किस चीज़ के बारे में बात किया गया, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे ही बी, तो बी के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट एंड और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो अगर मतलब मान लीजिए आप कोई दवा बनाते हैं, उसकी चेकिंग भी होती है लेबोरेटरी के अंदर कि किस क्वालिटी की है, कितनी अच्छी है, नहीं है, तो सारी चीज़ें, तो ये कह रहे हैं अगर आपको कोई टेस्ट करवाना है, कोई दवा चेक करानी है कैसी है नहीं है, तो जो भी सरकारी लेबोरेटरीज हैं उसका कितना फीस होगा, कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी, तो वो सब किसके अंदर लिखा हुआ है, तो शेड्यूल बी के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको आप ऐसे याद रखिए, कोई इसमें मतलब मैचिंग मुझे नहीं मिल पाया। अब शेड्यूल सी के अंदर क्या है, तो शेड्यूल सी, तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या है, बायोलॉजिकल और जो कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्ट किसके अंदर है, शेड्यूल सी के अंदर है। समझ में आ रही बात? अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले प्रोडक्ट होंगे, ये हमारी लाइफ के लिए क्या है, वो बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट होंगे, तो वो किसके अंदर आएंगे, सी के, उसमें सी के, लिस्ट सी के अंदर आएंगे। हाँ, और दूसरे क्या है, इसके अंदर आते हैं तो वो बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट हो गए, ठीक, जिसका क्या इंपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चर आर गवर्न बाय दी स्पेशल प्रोविज़न। तो इसको यानी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको अगर इंपोर्ट करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल प्रोविज़न है, प्रावधान है हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, कानून बने हुए हैं। ठीक, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी हुई हैं, वो शेड्यूल सी के अंदर लिखा हुआ है, यानी कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है या स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है तो उसके लिए मतलब क्या रूल रेगुलेशन है, वो किस में है, ये इसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी शेड्यूल सी के अंदर। ठीक, अब इसमें जो चीज़ें आती है ना वो होती हैं इंजेक्टेबल। इसके एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए सीरा हो गया, हार्मोन हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर लगाए जाते हैं, वैक्सीन वगैरह हो गए, तो वो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं ना वो ज़्यादातर हमको कहाँ से मिलते हैं, समंदर से, या समंदर से मिलने वाले कुछ पेड़ पौधे हैं, तो उससे जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आती हैं ज़्यादातर। ठीक, तो वो कहाँ से मिलते हैं हमको, मराइन से या मरीन से मिलते हैं, तो मराइन और मरीन को यानी समंदर को हम लोग सी बोलते हैं, तो सी से आप सी को कोरिलेट करिए तो इस तरीके से याद हो जाएगा। अभी दूसरा क्या है, सी वन, तो इसके अंदर भी क्या है, कुछ मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अलावा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अलावा कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिनके इम्पोर्ट और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चर के लिए क्या है, कुछ स्पेशल प्रावधान है, प्रोविजन्स हैं,
जो उसके बारे में क्या रूल रेगुलेशन है वो किसके अंदर, C1 के अंदर लिखा हुआ है, C1 के अंदर। अब दोनों को क्या है, ये भी मतलब मरीन से ही मिलने वाली चीज़ें हैं, अब इनको मतलब कैसे याद करेंगे आप, अब ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो सब आप डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो यही सी वाला इसमें भी याद रखिए। ठीक, अब इसमें क्या है, जो इसमें जो है वो क्या है, इंजेक्टेबल है, ये लिखा है ना इंजेक्टेबल, और इसमें जो प्रोडक्ट है वो नॉन इंजेक्टेबल है, यानी उसको खाया जाएगा, इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। अब आगे क्या है हमारा, वो है शेड्यूल डी। तो डी के अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, तो इसके अंदर उन दवाओं की लिस्ट है जिसको जो प्रोविजन है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग के लिए, यानी ड्रग को अगर कोई बाहर से मंगा रहा है अपनी कंट्री के अंदर, तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है फॉलो करने हैं, उससे जो दवाएं बाहर हैं यानी उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो वो किसके अंदर है, डी के अंदर। तो आप कैसे याद करेंगे, एग्जम्प्टेड का डी याद कर लीजिए, तो डी से क्या है जो दवाएं इस लिस्ट से बाहर हैं, या आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि उन दवाओं को जिनको डिलीट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया किससे, जो प्रोविजन है इम्पोर्ट के लिए उससे, यानी इन दवाओं को क्या किया, डिलीट कर दिया कि इन दवाओं के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये आज़ाद हैं अपनी। ठीक, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। और फिर क्या है, एक शेड्यूल है E1, क्या है E1, तो इसके अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये कह रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक और यूनानी वगैरह जो सिस्टम है मेडिसिन के, तो उसके अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसके बारे में जो डिटेल लिखा गया है वो किसके अंदर, उस पॉइजनस सब्सटेंस की जो लिस्ट है कि ये चीज़ें क्या पॉइजनस हैं, उसकी जो लिस्ट है वो किसके अंदर है, E1 के अंदर है। आपने एविल का नाम सुना होगा, बहुत यूज़ होने वाली दवा है, तो एक तरीके से ये क्या होता है, समझिए डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है एक तरीके से। तो आप एविल से याद रखिए, ई से एविल को कोरिलेट करिए, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। एविल का मतलब आप समझिए कि डेंजरस, और क्या है, पॉइजनस चीज़, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एक शेड्यूल है एफ, तो एफ को दो पार्ट में बांटा है, F1 नहीं है, सिर्फ एफ है, तो इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट और सेकेंड। तो इसमें क्या है, कौन सी चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो स्पेस इक्विपमेंट एंड सप्लाईज रिक्वायर्ड फॉर ए ब्लड बैंक। ये ब्लड बैंक याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ब्लड बैंक कोई बनाना चाह रहा है तो उसको क्या स्पेस, कितनी जगह चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, कैसे उसको सप्लाई किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है ब्लड बैंक के लिए, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक, और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू प्रोक्योर ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम होल ह्यूमन ब्लड। और क्या, अब जो पार्ट 2 के अंदर क्या गया, क्या लिखा है, तो किस चीज़ के बारे में डिटेल है, तो कह रहे हैं कि आपको अगर लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस बनवाना है किस काम के लिए, टू प्रोक्यूर यानी बाई करने के लिए, क्या करने के लिए, बाई करना चाह रहे हैं आप, क्या बाई करना चाह रहे हैं, ब्लड कंपोनेंट्स, यानी मान लीजिए किसी आदमी का कोई ब्लड है उसमें से कोई कंपोनेंट चाहिए आपको, मान लीजिए उसका सीरा चाहिए, या फिर मान लीजिए उसको आपका उसमें WBC चाहिए, RBC चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको अगर आप बाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तो किसके अंदर लिखा गया, एफ के पार्ट 2 के अंदर उसके बारे में लिखा गया है। अब क्या है, एफ वन, तो इसके क्या है, तीन पार्ट हैं। पार्ट 1 के अंदर क्या लिखा गया, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन। कोई बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन है, ये आप कलर देख के थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए कि बैक्टीरियल या कोई वायरल वैक्सीन है उसको अगर कोई प्रोडक्शन करवाना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए जो प्रोविजन है, कानून है जो उस पर अप्लाई होते हैं, तो किसके अंदर लिखे गए, F1 के पार्ट 1 के अंदर। ठीक, और दूसरा इसका पार्ट 2 क्या है, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सीरा फ्रॉम लिविंग और एनिमल्स। ये कह रहे हैं कि लिविंग और लिविंग एनिमल्स हैं, तो उनसे जो सीरा मतलब बनाया जाता है, ये ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन करना अगर, तो उसके लिए जो प्रोविजन और रूल रेगुलेशन लिखे गए हैं वो किसके अंदर है, F1 के पार्ट 2 के अंदर। ठीक, और पार्ट 3 क्या है इसका, प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट यानी बैक्टीरियल ओरिजिन से। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई डायग्नोस्टिक एजेंट कोई बना रहा है, यानी बीमारियों को टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कोई चीज़ बना रहा, कोई दवा बना रहा, कोई एजेंट बना रहा है, तो उसका क्या स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, यानी किस क्वालिटी का वो होना चाहिए, उसके लिए जो प्रोविज़न है, जो रूल रेगुलेशन है, वो किसके अंदर है, पार्ट 3 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, अब जो F2 है, तो ये किस चीज़ के लिए है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो चीज़ें आती हैं, जैसे कॉटन हो गया, लिगेचर हो गया, तो ये जो चीज़ें उसका क्या, किस स्टैंडर्ड की वो होनी चाहिए, तो किसके अंदर है, F2 के अंदर। और F3 के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ अम्बिलिकल टेप।
अम्बेलिकल टेप के लिए जो स्टैंडर्ड्स होना चाहिए वो किसके अंदर लिखा गया है, तो F3 के अंदर। अम्बेलिकल टेप क्या होता है, तो जैसे कि आप देखेंगे बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो मतलब ये क्या कहते हैं नाफ जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी जो उनकी नाभि होती है वहाँ से एक पाइप जैसा निकला रहता है जो उसके मतलब माँ के साथ जुड़ा रहता है, जहाँ से उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहता है, तो उसको काटा जाता है। तो उसको काटने के लिए उस पर क्या है कुछ टेप टाइप की चीज़ होती है, उसको मतलब बंद कर देते हैं, तो वो होता उसको दोनों साइड से क्या करते हैं पहले बंद कर देते हैं, उस पर बांध देते हैं समझ लीजिए एक तरीके से, तो उसको वो जो होता है उसको बोलते हैं अम्बेलिकल टेप। तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो किसके अंदर लिखा गया है F3 के अंदर, ठीक है। अब यह है कि डबल एफ एफ एफ, तो इसके अंदर उन चीज़ों के बारे में लिखा गया है जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, यानी आँखों में कोई दवा डाली जा रही है उसके लिए, जो भी चाहे वो लोशन हो ऑइंटमेंट हो कुछ भी हो, तो आँखों के लिए जो ऑप्थेल्मिक आँखों के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो किसमें लिखा गया एफ एफ के अंदर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं फोकस फोकस, यानी दो आँखें हैं तो दो फोकस, तो एफ एफ इससे आप कोरिलेट करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। एक जो लिस्ट है जी, तो इसमें क्या है, तो लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेज टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। शेड्यूल जी के अंदर उन चीज़ों की लिस्ट लिखी गई है जिसको आप अगर करने जा रहे हैं, उसके लिए कुछ दवा बनाने जा रहे हैं, कुछ अपने आप नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए क्या है एक मेडिकल सुपरविजन होना चाहिए, यानी उनकी निगरानी के अंदर, उनके क्या कहते हैं गाइडेंस के अंदर आपको ये काम करना है। तो उसके लिए कौन से शेड्यूल के अंदर लिखा गया, जी के अंदर। तो कैसे आप याद करेंगे, तो गार्जियन से, मान लीजिए आपके गार्जियन होते हैं, बड़े होते हैं, तो आप उनकी निगरानी में कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ही ये जो काम है ना कुछ सब्सटेंसेज हैं उसमें कुछ भी अगर करना है तो वो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में करेंगे। समझ लीजिए एक तरीके से थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि आप उनकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं, एक तरीके से वो क्या है गार्जियन है उसके, तो जी से गार्जियन याद रखिए। अब एक लिस्ट है एच, तो लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो एच शेड्यूल के अंदर उन दवाओं के बारे में लिखा गया है कि जो जिनको प्रिस्क्रिप्शन किया जाएगा, समझ में आ रही बात, तो इसमें ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा गया है कि इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करेंगे और उनके, यानी बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाएं नहीं दी जाएंगी। दो तरीके की दवाएं होती हैं, एक एच वाली होती है और एक्स वाली होती है, थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, ठीक। आप जब डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे हम लोग, ये हमारे सिलेबस में है, तो जब डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या फ़र्क है। तो इसके अंदर उन दवाओं के बारे में लिखा गया जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन करना ज़रूरी है, और प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें लिखना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ऐसे ही एक लिस्ट है, क्या है एक शेड्यूल है, वो क्या है जे, तो इसके अंदर उन बीमारियों के बारे में लिखा गया है जिसके लिए कोई दवा मतलब कारगर नहीं होती है, कोई दवा उसको ठीक नहीं कर सकती है, ठीक है। विच ए ड्रग मे नॉट प्रिवेंट, जे के अंदर उन बीमारियों के बारे में लिखा गया है जिसको कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है, समझ में आ रहा, तो यानी वो जो बीमारियां वो जानलेवा हैं, तो यहाँ पे जानलेवा लिखा हुआ है, इसको जे से कोरिलेट करिए कि इसके अंदर जानलेवा बीमारियों के बारे में लिखा गया, यानी जिसको कोई दवा ठीक नहीं कर सकती है। के अंदर, के शेड्यूल के अंदर किन चीज़ों के बारे में है, तो ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, तो आपने एक पढ़ा था ना अभी डी के अंदर कि उसमें उन दवाओं की लिस्ट है जिसको अगर इंपोर्ट करना है, जिसको क्या करना है इंपोर्ट करना है, तो उसको क्या कोई प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि अगर कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको मैन्युफैक्चर अगर करना है तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं, उसको आराम से आदमी कर सकता है। तो उन दवाओं की लिस्ट किसके अंदर है, वो के अंदर है, ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसमें क्या था इंपोर्ट करने के लिए डी के अंदर, और के अंदर किसके बारे में है मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब ये एम है, तो एम याद करना आसान है, एम के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कोई भी दवा कोई सब्सटेंस बन रहा है तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के जो रूल और रेगुलेशन लिखे गए हैं कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, कैसा लाइसेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी टेस्टिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर एम शेड्यूल के अंदर लिखा गया, और एम शेड्यूल एम है, M1 है, M2 है, M3 है, इस तरीके से इसको बांटा गया है। तो इसमें किससे रिलेटेड है, ये मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, एम से याद करेंगे, ठीक है। तो अब मैं कोई गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए, क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या प्लांट्स उसका कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, तो सब किसके अंदर लिखा गया है, एम के अंदर, ठीक। अब M1 के अंदर क्या लिखा गया है, तो रिक्वायरमेंट्स फॉर द फैक्ट्री प्रीमाइज एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन, तो M1 के अंदर क्या लिखा गया है कि अगर कोई होम्योपैथिक दवा बनाना चाह रहा है तो उसकी फैक्ट्री, उसका प्रीमाइज, उसका प्लांट कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, M1 के अंदर हैं, ठीक है।
M2 के अंदर किसके बारे में, अगर कोई कॉस्मेटिक की चीज़ें क्या है मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है तो उसके बारे में जो डिटेल हैं उस किसके अंदर है, M2 के अंदर। और M3 के अंदर है कि अगर कोई कोई मेडिकल डिवाइस बनाना चाह रहा है, यानी दवाओं से, जैसे कि मान लिया नेबुलाइजेशन आता है या ब्लड प्रेशर को नापने वाली मशीन आ रही है, तो ये जो चीज़ें हैं तो उसको कोई बनाना चाह रहा है, कोई कंपनी खोलना चाह रहा है, कोई फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन हो किसके अंदर है, M3 के अंदर है। तो आप कैसे याद करेंगे, आसानी से याद कर लीजिए, होम्योपैथिक, क्या होम्योपैथिक हो गया M1 के अंदर, और M2 के अंदर क्या हो गया कॉस्मेटिक, और M3 के अंदर क्या हो गया डिवाइसेस। तो HCD याद कर लीजिए, HCD से क्या हो जाएगा आपका M1, M2 और M3, होम्योपैथिक, कॉस्मेटिक और क्या हो गया डिवाइसेस। अब क्या है N, तो N ना उन चीज़ों की लिस्ट है, N के अंदर लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई फार्मेसी को अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से चलाना चाह रहा है तो उसके लिए क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए, तो उसके अंदर लिखा हुआ। तो कैसे याद करेंगे, N से क्या होता है नीड, तो नीड फॉर फार्मेसी आप याद कर लीजिए, कोई फार्मेसी चलाना चाह रहा है तो उसके लिए जो चीज़ें, जो ज़रूरतें, जो इक्विपमेंट होना चाहिए उसकी लिस्ट किसके अंदर है, तो शेड्यूल N के अंदर उसकी लिस्ट बनी हुई है। तो आप नीड फॉर क्या है फार्मेसी से उसको आप याद कर लीजिए। अब एक शेड्यूल है O, तो O के अंदर क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ये कह रहे हैं जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है उसके बारे में जिसके अंदर, जिस शेड्यूल के अंदर लिखा गया है वो कौन सा O। तो कैसे याद करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस के अंदर। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि डिटॉल हो गया, लिजोल हो गया, तो ये लोग भी क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं किल करते हैं। तो यहाँ पे ओ आ रहा है ना, ओ इसमें भी ओ, डिटॉल, डिजोल, तो ओ से याद रखिए, ओ शेड्यूल के अंदर डिसइंफेक्टेंट आते हैं, इस तरीके से इसको कोरिलेट करिए। ऐसे ही पी, तो इसके अंदर किस चीज़ के बारे में इसको याद करना आसान है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी जो दवा है उसकी क्या लाइफ होगी, कितने दिनों के बाद वो एक्सपायर होगी, तो लाइफ से पीरियड, तो पीरियड से क्या करिए, लाइफ पीरियड में पीरियड से पी को आप कोरिलेट करिए, ठीक है। ऐसे ही P1 के अंदर क्या है, तो पैकेज, ये तो और आसान है, P1 के अंदर पैकेज साइज ऑफ ड्रग, कोई मान लीजिए कोई आप सिरप बना रहे हैं तो उसका, उसके अंदर 100 ml आप पैक करना चाह रहे हैं, तो वो बॉटल की साइज क्या होगी, इतना होगा, इतना होगा, कितना होगा, तो किसके अंदर है, P1 के अंदर है, ठीक, किसके अंदर है वो P1 के अंदर। अब एक शेड्यूल है क्यू, क्यू दो पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसके अंदर क्या है, तो लिस्ट ऑफ डाइज, कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड शॉप। ये कह रहे हैं कि जो कॉस्मेटिक की कोई आइटम बना रहा है, कोई साबुन वगैरह बना रहा है, तो उसके अंदर कलर भी डालने की ज़रूरत होती है, तो वो कलर्स की, उन कलर्स की लिस्ट क्या है, तो कौन कौन से कलर हैं जो मतलब यूज़ किए जा सकते हैं कॉस्मेटिक के अंदर और शॉप के अंदर, तो उसकी लिस्ट किसके अंदर है, क्यू के पार्ट 1 के अंदर। तो कैसे याद करेंगे, तो क्यू से क होता है, क से कलर होता है, हिंदी वाला याद करिए, हिंदी से क वाला कलर से आप इसको कोरिलेट करिए, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। और पार्ट 2 के अंदर क्या है, तो ये भी इसी से क से याद करिए, कि लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड इन सॉप, यानी साबुन के अंदर कौन से कलर आप डाल सकते हैं उसकी लिस्ट किसके अंदर है, क्यू के पार्ट 2 के अंदर। अब एक शेड्यूल है आर, तो आर का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर कंडोम्स ऑफ रबर लेटेक्स इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो आर के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो याद रखिए कॉन्डोम्स जो यूज़ होते हैं, तो वो जो रबर से बने हुए कॉन्डोम हैं उनके बारे में, किसके बारे में बात की गई है, आर शेड्यूल के अंदर, ठीक, जो कि एक बार यूज़ करने के लिए होते हैं और क्या है, मैकेनिकल एक तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, यानी क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो रबर का कॉन्डोम यूज़ होता है। तो इसके बारे में शेड्यूल आर के बारे में किस चीज़ के बारे में बात की, रबर से बनने वाले कॉन्डोम के बारे में, ठीक। अब R1 के अंदर क्या लिखा गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेज, यानी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज अदर देन रबर, यानी जो रबर से नहीं बनते हैं, जैसे कि और कोई ऐसे मतलब डिवाइसेज है प्रेगनेंसी को रोकने वाले जो रबर के अलावा किसी दूसरे सब्सटेंस से बनते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह से, तो उसकी लिस्ट किसके अंदर है, उसका स्टैंडर्ड किसके अंदर है, तो वो R1 के अंदर है, उसके बारे में लिखा हुआ, ठीक। अब S से तो बहुत आसान है, इसका याद करना, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक, यानी कोई कॉस्मेटिक बना रहा है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस क्वालिटी को उसको बनाएगा, तो उसका, उसके बारे में जो डिटेल है किसके अंदर है, शेड्यूल S के अंदर है। उसको आप कैसे याद रखेंगे, सुंदर से, कॉस्मेटिक किस काम के लिए होता है, सुंदरता के लिए, ठीक, आदमी को सुंदर बनाने के लिए, तो आप उस काम के लिए इसको यूज़ करेंगे। टी, तो टी के अंदर क्या है, शेड्यूल के अंदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइज एंड हाइजीन कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक,
यानी आयुर्वेदिक वगैरह जो दवाएं हैं उसके लिए, अगर आयुर्वेदिक सिस्टम की जो दवाएं बन रही है उसके लिए अगर आपको मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह खोलना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके बारे में किस में लिखा हुआ है टी के अंदर, तो कैसे याद करेंगे कि आयुर्वेदिक वगैरह से सिद्धा से यूनानी से जो दवाएं बनती हैं वो किससे बनती है, ट्री से बनती हैं, तो टी से ट्री याद करिए, तो ट्री से जो बनने वाली दवाएं हैं वो किसके अंदर आएंगी, टी के अंदर, ठीक। अब ऐसे क्या है यू, तो यू के अंदर क्या है, तो पार्टिकल्स यानी वो तमाम चीज़ें, टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एनालिटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, तो यू के अंदर उन चीज़ों के बारे में, उन सामान के बारे में कि जो कि अगर कोई कंपनी बना रही है, कोई दवा वगैरह बना रही है, यूटिलाइज कर रही है, तो उसका पूरा रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है कि मैंने क्या बनाया, कितना यूज़ किया, नहीं किया, तो उसके बारे में जो डिटेल है कि क्या क्या रखना पड़ेगा, कब तक रखना पड़ेगा, वो उसके अंदर है, यू के अंदर है। तो उसमें क्या कैसे याद करेंगे, यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड यानी कितनी चीज़ें यूज़ की हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना है, किसके अंदर लिखा गया है, ये किसके अंदर, यू के अंदर। और यू वन के अंदर क्या लिखा गया है, पार्टिकल्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एनालिटिक रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक, तो इसमें आप याद रखिए इस वाले में फ़र्क क्या है, यू और यू वन के अंदर, तो ड्रग के लिए जो कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, जो भी क्या कहते हैं रॉ मटेरियल और जो भी चीज़ें यूज हुई हैं ड्रग बनाने के लिए, तो वो यू के अंदर, और यू वन के अंदर कॉस्मेटिक्स के आइटम्स बनाने के लिए जो चीज़ें यूज हुई हैं किस में आएंगी, यू वन के अंदर। अब वी के अंदर क्या है, तो इसके अंदर कोई दवा पेटेंट होती है, किसी ने अपने नाम करा लिया है, उसको प्रोप्रिएटरी भी बोलते हैं, तो ऐसी जो दवाएं हैं उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे किसी ने अपने नाम कोई दवा करा ली, जैसे मान लीजिए सिप्ला की आती है सिप्लाडीन, उसके नाम से वो फिक्स है, तो किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो उसके बारे में किसके बारे में, उसके बारे में को जो मतलब डिटेल है वो किसके अंदर है, तो वी के अंदर। और डब्ल्यू के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम्स ओनली, तो इसके अंदर उन दवाओं के बारे में जो जेनेरिक नेम से बेची जाएंगी, तो उसके बारे में किस में है, डब्ल्यू के अंदर है, ठीक है। डब्ल्यू के अंदर किसके बारे में है, तो इसके अंदर उन दवाओं की लिस्ट है जो जेनेरिक नाम से, जनरल नाम से बेची जाती हैं। ऐसे ही एक्स है, तो इसके अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न बाय द स्पेशल प्रोविजन, तो ये कह रहे हैं कि लिस्ट एक्स के अंदर वो दवाएं आती हैं जिनको अगर इम्पोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना, लेबल वगैरह करना है, तो उसके लिए स्पेशल कानून बने हुए हैं, तो वो दवाएं इसके अंदर आती हैं। इसको आप एक्स से मतलब आप समझते हो, एक्स का आता है तो डेंजरस माना जाता है, तो इसके अंदर डेंजरस दवाएं हैं जिनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजन की जरूरत होती है। वाई के अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी कोई नई दवा बन रही है तो उसके लिए क्या क्लिनिकल ट्रायल कैसे करेंगे, गाइडलाइंस क्या होगी उसको इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी हैं, वाई शेड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं। तो वाई कैसे याद करेंगे, तो न्यू ड्रग के लिए आप वाई से याद करिए, ऐसे यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी कोई नई चीज़ पैदा हुई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारी फसल पैदा होती है धान गेहूं, तो वो नई हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग यील्ड, तो पैदावार को यील्ड कहते हैं, तो आप यील्ड से याद रखिए न्यू ड्रग, ठीक। तो ये क्या थे, कुछ शेड्यूल थे, तो ये जो आपके शेड्यूल थे जो एक्ट से रिलेटेड और जो रूल से रिलेटेड जो शेड्यूल थे, हम लोगों ने उनके सिर्फ अभी टाइटल पढ़े हैं, उनकी डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बारे में हम लोग सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में पूछा हुआ पढ़ेंगे। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।